हेलो जी हेलो। खैरियत हाँ तो आपको उसमें कमेंट पड़ा था, तो आपको दलील चाहिए मिलाद जी उन्नबी जी पर। जी पहले तो आप ये बताइए, ईद मिलाद उन्नबी के माने क्या है, ईद के माने क्या होते हैं? आप बताइए। मैं तो जाहिर इंसान हूँ, आप आलिम इंसान है, आप बताइए। मैं तो तलबगार हूँ इन का, आप देखो, बताइए। ईद मिलाद उन्नबी, ईद के माने होते हैं खुशी मनाना जी अच्छा जो लगत में, मिलाद माने पैदाइश, अच्छा नबी मतलब नबी नबी की पैदाइश की खुशी मना रहे हैं। हाँ नबी की पैदाइश की खुशी, अच्छा ठीक ठीक है। जी और अल्लाह की नेमत पर खुशी जताना, कुरान ने जाहिर दिया वम्मा बे नेमत जी रब्बिका जी फहद्दिर, ठीक 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 ठीक। तो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी उनकी उम्मत बिल्कुल में हम लोग पैदा हुए, बिल्कुल बिल्कुल कोई तो शक हम जब उनकी उम्मत में पैदा हुए हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। कुरान फरमा रहा वम्मा बे नेमत रब्बिका जी बिल्कुल, फहद्दिर, इससे बड़ी तो कोई ना कोई शक नहीं, उससे बड़ी कोई नेमत नहीं। हाँ तो जब उससे बड़ी कोई नेमत नहीं हमारे लिए, कुरान के कहता है कि अल्लाह की नेमत पर खुशी चर्चा करो, जी ठीक। तो हम अल्लाह की नेमत पर खुश हो रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? तो इसमें ये गलत है ना कि चर्चा जी मतलब जो काम करना है वो अल्लाह और उसके नबी ने बता दी कैसे करना है कैसे नहीं करना। अगर ये काम ऐसे करना होता है तो सहाबा ये काम करते होते, ताबे ये काम करते होते, तब ताबे ये काम करते होते, अल्लाह के वली लोग अच्छा, गुजरे वो ये काम करते होते। उन्होंने ना कभी किया ना इसका हुक्म दिया। नबी सल्लम क्या करते थे, मेरे पास नबी सल्लम क्या करते थे कि रोजा रखते थे। कोई रोजा रखता उस दिन का, कहते हैं रोजा रखता पीर का, कोई रोजा रखता क्यों रखते थे नबी सल्लम? हमारी बात सुन लीजिए, ठीक जी सुन लीजिए एक मिनट। उस जमाने में और इस जमाने में, हेलो हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ उस जमाने में और इस जमाने में बहुत बड़ा फर्क है। जी फर्क है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, इस जमाने में इजादात हो गए बहुत से ज्यादा, टेक्नोलॉजी का दौर है ठीक है। हाँ उस जमाने में जरा मौजूद जो जुलूस निकाला जाता है, इस तरह निकाला जाता, और हम चर्चा बताइए आप जी। और ये अरबी का कायदा भी है, आप दलील वाला मन अनकरा, कि दलील उसको दो जो इनकार करो, आप दलील दिखाइए। आपका आपकी आवाज नहीं आ रही। बनाना अंदाजा इस आराम है। क्या क्या जी हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, करिए आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, आप कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अरे आपकी एक ऑडियो आई थी, आप मतलब किसी से बात कर रहे थे ईद मिलादुन नबी के ऊपर। ईद मिलादुन नबी के ऊपर? जी जी जी, ईद ईद मिलाद मतलब वो उसको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। कौन सा बोल रहे हैं आप? जी मैं तो अफू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। कहाँ से मेरी ऑडियो रखी आपने? आपका नाम क्या है? मोहम्मद शमाइल। हाँ शमाइल रजा आफाकी, आप ही का नाम है? जी। ये ऑडियो है, एक मिनट में आपके सामने स्टार्ट कर दो ये ऑडियो। हेलो जी, खैरियत है? हाँ तो आपको उसमें कमेंट पड़ा था, तो आपको दलील चाहिए मेरा दलील को जी। पहले बोलो हेलो जी। जी याद आ गया ना आपको? जी ये तो काफी दिन पहले की बात है। अच्छा अच्छा, खैर जब भी ये मेरे पास तो आज ही आई है। अच्छा जी जी जी, ये तो लगभग 1 साल की बात होगी। 1 साल पहले की ऑडियो है जी। अच्छा इसमें आप मतलब ये साबित कर रहे थे कुरान से कि ईद मिलाद उन नबी को मनाना मतलब साबित है, तो ये जी। कौन से आयत से साबित है? अच्छा पहले आप ये बताइए ईद मिलाद उन नबी के माने क्या है? ईद माने क्या होता है? ईद की मेरे भाई दो माने होते हैं, एक होता है बार बार पलटना और एक होता है खुशी। खुशी, ईद माने खुशी हो गया, और मिलाद माने? मिलाद माने होता है पैदाइश। पैदाइश की जगह, पैदाइश का वक्त है। और नबी तो नबी, ठीक। तो इसका टोटल अच्छा, माना क्या होगा? में आप मतलब भाई वो मनाते हैं ईद मिलाद? नहीं सुन सुन तो लीजिए पहले मेरी बात। आप तो
ये तो बहुत दलाइल तो बहुत है, लेकिन मैं आपको सिर्फ आप सीधी सीधी सिर्फ फोन पे बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं कुरान से आप साबित कीजिए ना मेरे भाई, ये इसका माना वो होता है उसका माना वो होता है, ऐसे माना जोड़ जोड़ के थोड़ी ना आप भाई उसको दिन में दाखिल कर देंगे। अच्छा जी जी, तो आपने कहा कि अल्लाह ने मतलब कुरान में कहा है कि अल्लाह के फजल के ऊपर खुशियाँ मनाओ। हाँ रबी का फाते से कुरान की आयत सूरह बद्दुआ की ना। हाँ यही बात आती है सूरह यूसुफ सूरह नंबर 10 आयत नंबर 58 में। यूसुफ नहीं सूरह वद्दुहा में है, नहीं मैं तो कह रहा हूँ मेरी सुन लीजिए पहले। सूरह वद्दुहा में है वह अम्मा बिन नेमत रब्बी का फहदिस। जी जी जी, अपने रब की अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। जी जी यही बात आती है हमारे लिए हमारे आयत नंबर 58 में। एक तो पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। अच्छा बताइए बताओ अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। जी ठीक है, अल्लाह की नेमत क्या है हमारे लिए? इससे बड़ी नेमत कुछ नहीं हो सकती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। नहीं नहीं इससे बड़ी नेमत है ना अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में। अरे भाई ये तो आपने अपनी अकल से माजल्ला तफसीर कर दी कुरान की क्या, और इसका गुनाह पता है आपको कुरान की में? अकल से क्या कर दी बता दीजिए भाई। सूरह नंबर 10 आयत नंबर 58 में अल्लाह सुबहान तआला कहता है ए नबी कहो, यानी कि अल्लाह के नबी से कह रहे हैं कि ए नबी कहो कि ये अल्लाह का फजल है ना। आयत सुनाइए आयत। अरे आला हजरत का भाई मैं आपको माना बता रहा हूँ, तर्जमा बता रहा हूँ मुझे तर्जमा आता है आप आयत सुना। ए नबी कहो कि यह अल्लाह का फजल है और उसकी मेहरबानी है कि यह चीज उसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए और यह उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। मेरी बात तो ये बताइए भाई, इसमें तो अल्लाह ताला जो बता रहे नेमत वो है कुरान, तो कुरान की नेमत पे कोई भी ईमान वाला होगा भाई वो खुश होगा। लेकिन इस आयत से ईद मिलादुन नबी मनाने की दलील 1450 साल में कौन से अहले सुन्नत के इमाम ने ली है? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी कभी नहीं ली इस आयत से ईद मिलादुन नबी मनाने की दलील। तो आप क्या अपने इमाम से ज्यादा जानते हैं? अच्छा जी एक मिनट मेरी सुन लीजिए आप जरा। आप जो पहले जो तर्जुमा सुनाने मुझे आप जो अरे आयत आप ना सुनिए, अरबी आपके लिए वो नहीं है, आपके वहाँ हर काम तो उर्दू में होता है। कुंडे ठीक है, ग्यारहवीं इसकी नियाज उसकी मेरे भाई फातिया ये सब आपके वहाँ उर्दू में होता है ना, तो आप अरबी का भाई मेरे भाई आप तो लग रहा है मुनाजरे के गुस्से के चैनल है। मैं तो खैर नहीं मुनाजरे करने के लिए नहीं, आपने माशाल्लाह कुरान के ऊपर झूठ बोल दिया। मैंने ऑडियो जब से आपकी मेरे भाई सुनी मैंने कहा भाई आयत में ऐसा तो कहीं नहीं है, आप मतलब अरबी में कुछ भी बोल देंगे उससे मतलब साबित हो जाएगा ईद मिलादुन नबी। मैं इस बार कहीं बैठा था लेकिन मैंने सिर्फ आपको जिमनन ये कहना मैं सुनाई, वरना हदीस से भी साबित है। और ये पहली बात तो क्या नाम है, मेरा ये दावा है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे भाई दीन में बिदअत है और अच्छा। ये जो नॉन मुस्लिम है उनकी देखा देखी इख्तियार करना है। तो अगर कोई ईद मिलादुन नबी को मनाता है वो गोया मेरे भाई दूसरी कौम में से हो गया। मेरी बात तो सुन लीजिए पहले बता दी बिदअत क्यों है ये? बिदअत क्यों है भाई? बिदअत की तारीफ होती है दीन में हर वो नया काम जिसकी ना तो असल मौजूद हो ना ही उसकी बुनियाद मौजूद हो, और ये तारीफ की आपके अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने जाल हक में। हाँ तो इस तारीख की मेरे भाई एतबार से जो ये तारीफ की गई है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ना तो कोई हकीकत है ना कोई इसकी असल मौजूद है। ऐसा करिए आपका नंबर मेरे पास है और मैं अभी फिलहाल कहीं बैठा था तो बैठे बैठे बात कर लीजिए ना, हम कब कह रहे हैं कि आप बैठ के खड़े होकर बात कीजिए। अब मैं जब मैं पहुंच जाऊंगा अपने रूम में फिर आपसे बात करता हूँ इंशाल्लाह, फिर आपसे कहना तफसीली गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। अरे तो बता दीजिए ना भाई कि आपने झूठ बोला कि इस कुरान की आयत में? नहीं मैंने कुरान बिल्कुल झूठ नहीं बोला, मैं आपको बिल्कुल इस आयत में तो अल्लाह ने कहा है कि जो कुरान है वो अल्लाह का फजल है, उसके ऊपर खुशी मनाओ। अरे आप पहले दूसरी सुनते लिया करिए पहले बात। जी बताइए आप अपनी तरफ हर तब आप पहले तो ये बताइए क्या नाम है, आप हैं कौन? आलिम है मैं आलिम से बहस करूंगा, मैं अफू खान आम आदमी से बहस नहीं करूंगा। मैं प्रदेश में रहता हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ। सुन लीजिए आप अगर आलिम हैं, पिराने पीर गौसे आजम ने कहा है गुनियतुल तालिबीन के जिल्द एक और सफा नंबर 166 पे अहले सुन्नत का जो नाम है वो है अहले हदीस, तो हम वही अहले सुन्नत बोल रहे हैं। मेरे भाई क्या नाम है अलुल हदीस तो तुम हो ही नहीं, पहली बात तो आप मेरी बात सुन लीजिए ठीक है। मतलब आप अपनी अकल से कुछ को मेरे भाई कुछ भी कल को कह दोगे कि आप तो इंसान नहीं है,
तो भाई आपके कहने ना कहने से कोई हुज्जत थोड़ी ना हो जाएगा। सुनिए मेरे भाई, दलील चाहिए। कुल हक कुरानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111। अगर आप सच्चे हो तो सबूत पेश कीजिए, और दावा आपका है तो दलील आपको देना है कि ईद मिलादुन नबी ये माजल्ला कुरान से साबित है, ये आपको साबित करना है, वरना हम समझेंगे कि आपने झूठ बोला है कुरान के ऊपर। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, ठीक है? और मैं फिलहाल अभी तो हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, पहले ये बताइए कि आप आलिम हैं। अरे भैया सुनिए मेरी बात, जवाब दीजिए अपनो। हाँ भाई ठीक है, आलिम है आप? के सामने मैं आलिम बोला नहीं, नहीं आप आलिम है बताइए पहले। हाँ हनफियों के सामने आलिम हो ना भाई, जो हनफी मुकल्लिद हैं, जो बेचारे जाहिल हैं, जो लोग अंधी पैरवी करते हैं, तकलीद करते हैं, उनके सामने कोई भी अहले सुन्नत अहले हदीस होगा वो अहले इल्म होगा और उसको ही आलिम कहते हैं। अरे जाइए ठीक है, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। और हम ऐसे जाहिल नहीं, लेकिन हमें अफसोस हुआ कि आप फोन काट के भागने वाले हैं, और आपको अफसोस इसी चीज का हो रहा है कि आपकी बोलती बंद हो चुकी है, कोई जवाब आपके पास बात नहीं है, आपने कुरान के ऊपर झूठ बोला। मैं क्या नाम है इशाबाद आपके पास फोन करूंगा, ठीक है? अभी नमाज का वक्त होने वाला है, ठीक है? कभी कहते हैं कहीं बैठा हूँ, कभी कहते हैं कि मतलब नमाज हाँ। का वक्त, अरे ईशा की नमाज ये पढ़ लीजिएगा, मसला चल रहा है नबी की आशिकी का, आप नबी की आशिक है तो मेरे भाई साबित कीजिए ना कुरान से। तो मैं साबित करूंगा, तो आपको एक आयत पढ़ने में आपको दिक्कत है, एक आयत पढ़िए ना, कौन सी आयत में आया हुआ है कि ईद ईद मिलादुन नबी मनाओ? अल्लाह के नबी दो ईदे छोड़ के गए हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, और ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं नहीं ईद मिलादुन नबी भी ईद है। अरे मैं बताता रहा हूँ, आपसे मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? मैं इमाम आती हूँ, मुझे नमाज पढ़ानी है इंशाल्लाह, इस बात आपको बात करूंगा फिर। चलिए भाई इंतजार करते हैं, देखते हैं आप फोन करते हैं कि नहीं। चलिए ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी, कौन साहब बोल रहे हैं जी? आपने जो अभी फोन किया था बाद ईशा बात करने के लिए आपसे बोला था जी, जी वो नाम भूल गए आपका, फिर से बता दीजिए क्या आफाकी, क्या नाम था? मौलाना शमाइल आफाकी। अच्छा शमाइल जी 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 जी, बताइए सर, सब खैरियत से? अल्लाह का बड़ा फजल अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं जी? अलहमदुल्ला, जब से अहले सुन्नत अहले हदीस बने तब तक अलहमदुल्ला खैरियत से हैं, और अहले हदीस तक कयामत तक खैरियत से रहेंगे इंशाल्लाह। जी जी फरमाएं, आपका कोई सवाल था, कोई एतराज? नहीं, आपने ये कहा था ना ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना कुरान से साबित है, और आपने एक आयत पढ़ी थी जिसका मफहूम ये बन रहा था कि और उनको चाहिए कि अपनी रब की नेमत पे खूब खूब चर्चा करें, यानी कि खुशियां मनाएं, खुश हों, तो आपने उससे कयास करके कह दिया कि इस आयत का माना ये है कि ईद मिलादुन नबी मनाओ, तो वही मैं जानना चाह रहा था भाई, ये आयत ना तो अल्लाह के नबी ने ऐसी मेरे भाई समझी, ना ऐसा कभी मेरे भाई सहाबा को समझाया, तो ये आयत आपको किसने समझा दी कि इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह की नेमत पे चर्चा करो, यानी कि ईद मिलादुन नबी मनाओ, ये कहाँ से आया? ये बताइए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत है कि नहीं? हाँ है नेमत है। नेमत तो आपकी औलाद भी है, तो क्या औलाद का बर्थडे आप भाई वो स्टार्ट कर दो? बात सुनिए एक मिनट, आप सुनिए तो जी, हुजूर अलैहि सलाम को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है तो उसका कौन इनकार कर रहा है? बात हो रही है किसी की पैदाइश मनाने की। हाँ तो मैं अर्ज करता हूँ आपसे, कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के मसला साबित भाई, अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अच्छा पहले आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोलता हूँ। नहीं मुझे खाली एक लाइन बोलना है भाई, देखिए कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ना उससे कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वाजे मेरे पे दलील कोई मौजूद हो तो आप इंशाल्लाह दीजिए, हम भी आपके साथ मनाएंगे सारे आपसे जी। हुजूर अली हम तो साल में मनाते हैं 12 रबी अव्वल शरीफ को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार को यानी पीर के दिन रोजा रखते थे, सुना है आपने? हाँ तो ये सुन्नत हुई ना, तो आपने ये सुन्नत छोड़ के हफ्ते वाली सुन्नत छोड़ के सालाना क्यों मना ली? ठीक ठीक चलिए हम मनाते गलत है, तो क्या आप ये सुन्नत? माशाल्लाह यही हम सुनना चाह रहे थे कि भाई माशाल्लाह आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो आप एक बात सुनिए जी जी, तो ये सुन्नत आप अमल करते हैं हुजूर सलाम की पैदाइश सोमवार को ही, तो क्या आप रोजा रखते हैं? नहीं ये तो नफिल है ना, अगर कोई रखना चाहे रखे, ना रखना चाहे ना रखे। ये बताइए कुरान करीम में फरमा अल्लाह ने कि कुरान करीम के अर्थ का मफहूम है कि हमने जो कुछ जमीन में पैदा किया वो सब तुम्हारे नफे के लिए है,
ये बताइए कि ईद मिलादुन नबी आप इनकार करते हैं और जो इनकार करता है वो दलील पे दलील वाला मन अनकरा दलील वो पेश करता जो इनकार करे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मनाते हैं। ये मेरे भाई जो आपने उसूल अभी पेश किया ये किसी जाहिल का उसूल होगा। अहले सुन्नत का उसूल ये है कि जिसका दावा होता है उसकी दलील होती है। इनकार करने वाले की दलील भाई को नहीं होती है। नहीं नहीं ये बताइए आप अल्लाह के रसूल मेरे प्यारे भाई आपको एक मेरे भाई आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि आसमान में चांद ने ईद बनाया नहीं और आपने चांद का इनकार कर दिया तो अब आपको दलील भाई नहीं देना है। वो साबित हमको करना है क्योंकि दावा मेरा है ना कि आसमान में चांद है तो हम साबित करेंगे चांद है। इनकार करने वाला का दलील भाई वो देगा दलील। नहीं नहीं जुमे का दिन ईद है कि नहीं बताइए आप मुझे। अच्छा जुमे का दिन ईद है से साबित है कि नहीं ईद है। जुमे का दिन ईद फरमाया अल्लाह के नबी ने कि हदीस नहीं पढ़ी आपने कैसे ऐसे जुमे का दिन ईद कौन सा है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया फी खुलिका आदम। चलिए अब आपको बता देते हैं मेरे भाई अबू दाऊद की हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन इस्लाम में दो फेस्टिवल हैं दो त्यौहार हैं दो ईदें हैं ईद उल फितर और ईद उल अजहा और जो जुमा है वो इबादत के एतबार से ईद है वो कोई फेस्टिवल नहीं है त्यौहार नहीं है। आप पहले हदीस है तो अबू दाऊद का हवाला क्यों देते हैं। अबे तो अबू दाऊद हदीस की बुक है तो मेरे भाई अबू दाऊद की हदीस का हवाला देंगे या तुम्हारे बाप दादाओं की मेरे पत्तों का हवाला देंगे। अजीब बेवकूफ आदमी मतलब खुद ही कह रहे हो अबू दाऊद का भाई अबू दाऊद क्या है आपको मालूम है। नहीं मुझे मालूम है खूब मतलब आप तो गैर मुकल्लिद हैं फिर पहले हदीस। अरे भाई जो बुखारी है मुस्लिम है अबू दाऊद है तिर्मिजी है नसाई है इब्ने माजा है मौत्तह इमाम मालिक है और हाकिम है इब्ने बज्जार है इनका हवाला हम नहीं देंगे तो क्या आप देंगे। जी हम तो अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं ये तो हमारे हैं सब। आप फिका हनफी से साबित कर दीजिए कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 12 रबी अव्वल को ईद मिलादुन्नबी कब मनाया अपनी सारी जिंदगी में। एक हवाला दे दीजिए अपने इमाम से साबित कर दीजिए। आप अल्लाह के नबी सहाबा ताबईन तबे ताबईन इनको तो छोड़िए अपने इमाम से साबित करिए। क्या मुकल्लिद है या गैर मुकल्लिद है बताइए मुझे। भाई हम तो ना ही मेरे भाई मुकल्लिद है ना ही इसके उलट है गैर मुकल्लिद। हम तो मुत्तबे सुन्नत अहले सुन्नत है। ये जो इमाम बताओ जिनके आप हदीस का किताब का हवाला दे रहे हैं वो कौन है बताइए। अरे वो तो मुहद्दिसीन की मेरे भाई जमातों में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिस हैं वो। पढ़िए उनकी आप उनकी सवाने पढ़िए। क्या पढ़े इमाम के पैरोकार हैं वो। इमाम के पैरोकार हैं वो। देखिए अब मसला मेरे भाई आप जा रहे हैं तकलीद की तरफ ठीक है। अभी इसके ऊपर मेरे भाई अभी हम बात करना चालू करेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा इसलिए एक टॉपिक पे बात नहीं पड़ेगा आपको। आप जो है मतलब तो सुनिए कान खोल के। पहले के लोग जो अपने नाम के आगे भाई ये अपने इस्तेमाल करते थे ना कि वो फला हनफी है चाफई है मालिकी है हम्बली है ये एक मेरे भाई नस्बत होती थी। इसका माना ये होता था कि वो उनके शागिर्द हैं या ये उनके उस्ताद हैं और इसका दूसरा माना होता था कि उनकी राय से भाई वो एक हो जाती है उसकी मैच करती है। इस बुनियाद को पहले के लोग अपने नाम के आगे लगाते थे। इसका माना तकलीद नहीं था। कैसे तकलीद है मतलब भैया शाह भाई आपके बहुत बड़े मेरे भाई इमाम हैं मुहद्दिस हैं आपके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी किताब की हुज्जतुल्लाह बालिगा में कहते हैं जो तकलीद है वो चौथी सदी जो हिजरी है उसमें आई और तमाम मुहद्दिसीन मेरे भाई के 34 सदी हिजरी में आए थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से मेरे भाई पैदा होने से काफी साल पहले मेरे भाई इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इमाम अबू दाऊद इमाम तिर्मिजी ये सब दुनिया में आ चुके थे। नहीं शाह वलीउल्लाह की जिस किताब का हवाला देना जरा किताब लगता सफा नंबर बताएं जरा। भाई सफा नंबर 65 ठीक है फिर देखते हो उसमें और आप भी देख लीजिए। आपको कहिए तो मैं मेरे भाई फोटो खींच के भेज दूं किताब का उसका स्कैन भेज दूं। नहीं नहीं हाँ बिल्कुल देखिए तकलीद के ऊपर तमाम बरेलवी भाई तमाम देवबंदी भाई सब फोन काट के भागे हुए तो आप उस टॉपिक पे ना जाइए। आप ये बताइए 12 रबी अव्वल को ईद मिलादुन नबी का जो बाब है जो चैप्टर है ये कौन से मुहद्दिसीन ने भाई वो बांधा है कि हाँ ईद मिलादुन नबी को ऐसा करना है इतने रकात भाई वो नमाज होगी एक रास्ते से जाना है दूसरे रास्ते से आना है ये कौन सा त्यौहार मेरे भाई दिन में आ गया है इसका कहीं तो सबूत होगा। अच्छा ये जलसे जुलूस होते हैं आप ये जलसे करते हैं और एसीओ में नमाजें पढ़ते हैं मीनारे बुलंद करते हैं माइकों से अजाने होती हैं ये सब किताबों से कहाँ से साबित है। ये सब साबित है ना वो जब आप इंशाल्लाह आपसे पूछेंगे हम आपको बताएंगे। पहले आप तो बताइए मिलाद आपके साबित है कि नहीं। मिलाद बिल्कुल साबित है
कहाँ से साबित है? आप पढ़िए पूरे मिलाद का चैप्टर है तिर्मिजी पढ़िए बाबो माजा फी मिलादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ तो इसमें क्या है? बाब नहीं पढ़ा क्या तिर्मिजी शरीफ में? नहीं खाली बाब पढ़ लिया, अंदर की हदीसें नहीं पढ़ी। अबे जब बाब है मेरे भाई जब बाब आप सुनो कान खोल के इमाम इमाम साहब जो है इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी हदीस के बुक में एक चैप्टर बांधते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बयान में, तो वो पैदाइश के मतलब जो बयान है वो मेरे भाई पूरा चैप्टर का नाम है। उसके अंदर अल्लाह के नबी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब पैदा हुए, क्या हालात थे, वो सारी हदीसों को जमा कर रहे हैं। तो तुमने जहाँ पे मतलब भाई वो देख लिया मिलाद, वहाँ तुमने मना दिया ईद मिलादुन्नबी मनाना, नाउज़ु बिल्लाह। नहीं ये जो आप ये चैप्टर का बाप का नाम बताया, ऐसे तो बाप बना हुआ है अबू बकर की मिलाद, उमर की मिलाद, तो इसका माना क्या है? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो पैदाइश है उसके बयान में, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश के बयान में, ना कि इन दोनों की ईद मिलादुन अबू बकर मनाना है या ईद मिलाद उमर मनाना है। ये सब लॉजिक ही बेकार है आपका। अरे सुनिए तो मेरी बात, आप जब नबी के मिलाद का चैप्टर और हदीस है वो बयान कर सकते हैं मुहद्दिसीन, तो क्या उनको पढ़ना जायज नहीं है क्या? अरे तो कौन सी हदीस बयान की है? बयान की अबे पूरा चैप्टर है तो उसमें ये तो अबे चैप्टर के अंदर तो पढ़ लो, चैप्टर के नीचे जो हदीसें जमा की हैं वो तो पढ़ लो। चैप्टर का नाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बयान में, वहाँ पे जो पैदाइश वाली हदीसें हैं वो जमा कर रहे हैं, ताकि पैदाइश को मनाने वाली हदीसें ईद ईद मिलादुन्नबी की मनाने की दलील तो ना मेरे भाई जमा कर रहे हैं। किस बुनियाद पर? खुदा पहाड़ और भैया निकली चुहिया, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से उम्मत को धोखा देते हो तुम लोग, यह शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सबको पूरी उम्मत को फरे में डालना है। तो मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, इस बाब के नीचे की जो पहली हदीस है वही आप पढ़ दो। चलो मैं हदीस नहीं पढ़ा मैंने, अब जब उन्होंने बाब कायम कर दिया ये देखिए खाली बाब मेरे भाई पढ़ के, अरे तो बाब का माना मेरे भाई तुम अपनी तरफ से ले लोगे? उस बाब का चैप्टर का मसला, उसका जो मकसद ये है, उसका जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बयान में और उसके नीचे जो हदीसें लाए हैं वो तमाम हदीसों को जमा करके साबित किया गया है कि अल्लाह के नबी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, किनके वहाँ पैदा हुए, किसने पाला पोसा, किसने अपना दूध पिलाया, तो ये सारी हदीसें लेके आए, ना कि जो पैदाइश उसको मनाने की दलील भाई वो लेके आए। दोनों में फर्क है, एक है पैदाइश के बयान में और एक बाब होता है पैदाइश के मनाने के बयान में, तो दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे फर्क कर दिया आपने? चलिए वो आपके समझ में नहीं आएगा, आप अपने किसी आलिम दीन से हमारी बात कराइएगा जिसको अरबी उर्दू दोनों समझ में आती हो, उसके समझ में आएगा, भाई आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है आप अच्छा इतना बता दीजिए कि 12 रबी अव्वल इसका आज से 30-35 साल पहले इसका नाम था 12 फात, इसको 12 फात के नाम से लोग इसको मनाते थे, लेकिन लखनऊ में जो बीजेपी के नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ये 12 फात की एक मेरे भाई छुट्टी दे दी मुसलमानों को और इसका नाम सरकारी तौर से दे दिया ईद मिलादुन्नबी। तो उससे पहले तो इसका नाम था 12 फात, बाद में लोगों को पता चला नहीं 12 फात का मतलब होता है 12 वफात, तो उनकी आंखें खुली, तो उन्होंने नाम इसका चेंज कर दिया ईद मिलादुन्नबी। तो जो नाम खुद आपका अभी चंद साल पहले आया है, आप उस नाम को माजल्ला हदीस से साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नाकाम नहीं, पूरी कोशिश है, ये हदीस वो कोशिश है, वो कोशिश ही रहेगी, कभी कोशिश पूरी नहीं हो पाएगी। पढ़िए कुरान पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने अल्लाह सुभान व तआला कुरान में फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हातु बुरानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपने सबूत पेश करो। ईद मिलादुन्नबी मनाने की दलील ना तो कुरान में, ना हदीस में, ना ही मेरे भाई फिकह हनफी में, ना ही इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भाई आज तक अपनी जिंदगी में कभी मनाया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि 12 रबीउल को ईद मिलादुन्नबी भाई वो कैसे हो सकती है, क्योंकि आपके गौसे पाक गौसे आजम तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश की तारीख है वो है 10 मुहर्रम, तो ये 12 रबीउल किताब में पढ़ लिया? माज़ अल्लाह गौसे पाक गौसे आजम की शान में तौहीन कर दी, अस्तगफुरुल्लाह।
किसने कर दी? आपने, आपके गौसे आजम ने कहा गुनियतुल तालबीन के जिल्द नंबर एक और सफा नंबर 62 पे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो पैदाइश की जो तारीख है वो है 10 मुहर्रम, तो 10 मुहर्रम को आपको मनानी चाहिए ईद मिलादुन नबी। और आपके आला हजरत कहते हैं फतावर रजविया में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो तारीख पैदाइश की वो है 8 रबीउल। अच्छा सुनिए, ठीक, तो 12 रबीउल को कहाँ से मना लिया भैया? सुनिए सुनिए सुनिए, जो हमारे सरकार गौसे आजम आला हजरत के आप हवाले दे रहे हैं उसका एक इसकी वो भेज दीजिए भाई, फतावर रजविया उसकी जिल्द नंबर 25 और 26, उसके सफा नंबर 412 और 413। असल किताब का फतावर रजविया, अरे असल किताब ही मेरे पास रखी हुई है 30 मेरे भाई जिल्दों में मोटी मोटी, कभी देखा है? कभी खोल के पढ़ लिया करो मेरे भाई। हाँ हाँ, तो खाली नाम के बरेलवी बने हुए हो क्या? आपने पढ़ा है नहीं तो उसका भी, हम खुद बरेलवी थे मेरे भाई, 20 साल तक हम बरेलवी रहे, हमारे पास सारी किताबें मौजूद हैं। आप जब कहें जिस जिल्द को कहें वो जिल्द खोल के दिखा दें। तो मैं कर रहा हूँ आज से, अभी आप भेज दीजिए फतावर रजविया का भी जो आप तारीख है ना। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह भेजे दे रहे हैं, फतावर रजविया का आपको भेजे दे रहे हैं, ठीक है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो वाकई में अल्लाह सुबहान तआला के सच्चे पक्के वली थे, अहले सुन्नत थे, अहले हदीस थे, जिनको बरेलवियों ने गौसे पाक और गौसे आजम बना दिया, उनके नजदीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो पैदा होने की तारीख थी वो थी 10 मुहर्रम। अगर ये बात गलत हो तो आप अपने हनफी आलिमों से पूछ लीजिए, अपने बरेलवी उलमा से पूछ लीजिए। सुनिए तो हेलो, अरे हमारे में तो सुन लोगे, अपने मुंह चलाते रहोगे उसमें। अरे बोलिए ना प्यारे भाई, आप तो नाराज हो जा रहे हैं, बताइए। बोलने का तो बटर 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 बोले यारे। जी जी बोलिए आप, पहले ही क्या कॉल ऐसे होल्ड रखिए, बीच का बटन दबाइए और मेरे पास फोटो भेजिए जल्दी जरा। क्या बीच का बटन दबाए? फोटो भेजिए जल्दी जरा। अरे भाई आपका नंबर सेव करना पड़ेगा, फिर व्हाट्सएप का आपको ढूंढेंगे, फिर आपको फोटो खींच के भेजेंगे, आप इतना परेशान क्यों है? नहीं, ना आप अपनी दलील दीजिए ना मेरे भाई, आप तो साबित कर रहे थे कुरान हदीस से साबित है मिला माजल्ला मनाना। देखिए असल में मामला क्या है, अल्लाह माफ करे, एक न्यूज पेपर में भाई आया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती, तो जयंती यानी कि जैसे मेरे भाई लोग अपने देवताओं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप बात तब करेंगे आपसे जबकि दोनों की बात आप भी करेंगे तो बहुत सुनी जाएगी, फिर हमारी बात इधर होगी तब सुनेंगे। ये नहीं क्या नाम है कि हम बोले अरे तो आप, हम बोले तो आप, चलिए आप एक काम कीजिए, आप ही बोलिए हम चुप हैं, चलिए आप बोलिए, आप बोले चले जा रहे, दूसरी सुनी ना देखते बिल्कुल भी। वो तो मेरे भाई सारी दुनिया जानती है, ठीक है, आपसे एक दलील भाई बोली दी जा रही है। मेरी बात दुनिया दुनिया जानती है, दुनिया में गैर मुकल्लद आटे में नमक की तरह भी नहीं है। आप तो गैर मुकल्लिद होंगे ना, हम तो अहले सुन्नत अहले हदीस है ना, बरेलवियों के दूल्हा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, गैर मुकल्लिद चंद आटे में नमक के बराबर चलेंगे। भैया गैर मुकल्लिद तो हनफी हैं आजकल के, वो अपने इमाम की बात को नहीं मानते हैं, इमाम की बात को माजल्ला रद्द कर देते हैं। इमाम की बात बताइए, अभी आप ही लोग हैं, देखिए आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को पूरे 2.5 साल दूध पिलाएंगी, और अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है कुरान में सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 233 में कि माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। अब इमाम साहब कह रहे हैं 2.5 साल दूध पिलाएं, अल्लाह ताला कह रहे हैं 2 साल दूध पिलाएं, तो हनफियों ने इमाम साहब की बात को छोड़ के अल्लाह की बात को मान लिया, तो हनफी खुद हो गए गैर मुकल्लिद। अरे भाई मेरे बात तो सुन लो कम से कम, तुम यार अपना मुंह चलाते रहे तो दूसरी तो सुन लो कम से कम। तो भाई पूरी बात तो कंप्लीट होने दिया कीजिए, जब आप बोलते हो तो मैं सुनता हूँ ना, मेरी बात पूरी होने तक आप थोड़ा खामोश रहा कीजिए। मेरी बात आप जो है क्या नाम है, मुझे तर्जुमा ना सुनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा था, आप कुरान की आयत सुना दीजिए। हम हमेशा बरेलवियों को उसके आला हजरत का कंजुल ईमान का तर्जुमा ही सुनाते हैं, अरबी आयत किसी बरेलवी के लिए हुज्जती नहीं है। बताइए क्या नाम है, कौन सी आयत में जो आप अभी क्या नाम है तर्जुमा सुनाते हैं? सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 233। अल्हम्दुलिल्लाह पक्का बिल्कुल टनाटन क्या हाफिज कुरान में पक्का बिल्कुल भाई, हाफिज कुरान होने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, कुरान पलक के नीचे भी उतरना चाहिए। आयत पढ़िए, आयत चले भाई, कुरान आपकी हलक के नीचे भी उतरना चाहिए। आयत पढ़िए, आयत क्या जो आप तर्जुमा कर रहे हैं साथ पढ़िए। बता तो दिया कितनी बार बताए भाई,
कि माएं अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। कुरान की अरबी भारत से अरबी हुज्जत किसी बरेलवी के लिए नहीं है। अगर अरबी मैं एक शर्त पे पढ़ता हूँ, अगर जिस बरेलवी ने माँ का दूध दिया हो, अगर उसने ये बता दिया हो जो कुंडे है, कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं, जो ग्यारहवीं है उसको अरबी में क्या कहते हैं, तब हम उसके सामने अरबी पढ़ेंगे। अरे भाई हमको आपके नौकर थोड़ी ना, ये पढ़ो वो पढ़ो, तुमको हवाला दे दिया जाके देखो। फोन क्यों किया था? बेवजह फोन किया था। फोन तो इसलिए किया था क्योंकि आपने झूठ बोला था कि ईद मिलादुन नबी ये कुरान से साबित है। बस ठीक है मेरे भाई, जाहिल तो मुकल्लिद है, इस पे अहले इल्म का इजमा है। ठीक है, इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, ना कि वो आलिम होता है, और इस बात पर सबका इत्तेफाक है। तो मुकल्लिद जाहिल होता है, इस पे इजमा और बाकी तुमसे कुछ नहीं आता। नंबर एक के जाहिल हो तो मैंने कुरान का माशाल्लाह आला हजरत को जाहिल बोल दिया। मैं आला हजरत का कंजूल ईमान का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, तुम कह रहे हो जाहिल हूँ? नऊज़ु बिल्लाह। इमाम अहमद रजा खान साहब फाजले बरेलवी सूरह अल बकरा आयत नंबर 233 का जो माना करते हैं वो ये करते हैं, और माए दूध पिलाए अपने बच्चों को पूरे 2 बरस, उसके लिए जो दूध की मुद्दत पूरी करनी चाहे। अब बताइए, तुम नंबर एक के जाहिल होते समझे? तो भाई आपका जिन क्यों जाग गया? अभी तक तो आप बहुत कायदे से बात कर रहे थे, अब आपका मेरे भाई जिन जाग गया? तो भाई आप भी तो कह रहे हैं कि हमको बताओ कहाँ लिखा है, तुमने बता दिया कुरान की। मैंने तुमसे कहा मुझे आप अरबी, अगर आप आलिम हो तो मुझसे बहस करिए, ठीक? मैं आलिमों का आलिम हूँ, इसीलिए कभी किसी हकीकी के सामने अरबी नहीं पढ़ता हूँ। कुरान की ऐसा नहीं, कैसे अरबी पढ़ने से क्या हो जाएगा? कुरान के एक एक लफ्ज में सवाब है, एक एक लफ्ज पे सवाब है, वो सवाब हम आपके सामने का हासिल करें। आपको मतलब कुरान की आती है सिर्फ, बस वो जाकिर नाइक नहीं, अरे मेरे भाई जाकिर नाइक के तरफ आ रहा, तुम कभी समझ में आ गया? चलिए भाई अब हम समझ गए कि आप मेरे भाई मस्जिद के इमाम हैं, और आपने रट्टा मार दिया है कुरान का। बाकी कुरान आपकी हलक के नीचे से ना तो उतरी है ना कभी उतरेगी, इसलिए आप ऐसी बैठी बैठी बातें कर रहे हैं। तो तुम जैसे जाहिल नहीं जो काम एक आयत सुना पा रहे हैं, भैया दलील दीजिए, दलील से बात कीजिए। कुल हातु बुरानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आपका दावा है तो दलील आप देंगे अगर आप सच्चे हैं तो। मैं थोड़ी ना आपके सामने पढ़ने बैठ जाऊंगा। अब तो जल्द सुना दी बुला दो बुरानकुम, अभी बेटर बेटर कर रहे थे, सुनाओ कुरानी। कौन सी आयत सुनाए, पगला गला गए हो क्या? नंबर एक जाहिल हो तुम, एक आयत सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ। कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं पहले बताओ, कुंडे में होता क्या है? फारसी में अजान देख के बताओ, कुंडे में होता क्या है? हाँ, कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं, कौन सी हदीस से साबित है, चलो बताओ। मैं पूरा सूरह फातिहा, सूरह अल बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह निसा और सूरह मायदा सब अरबी में पढ़ के बताऊंगा। तुम खाली कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं ये बता दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मेरे भाई दलील से बात करते हैं, ये हवाई बाजी नहीं कि तुम ये पढ़ के बताओ वो पढ़ के बताओ। मैंने को बार आपसे कहा कि आप लोग जो नियत करते हो कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात फर्ज वक्त जोहर के वास्ते अल्लाह ताला की तरफ, रुख मेरा काबे शरीफ की ओर, अल्लाह अकबर, इसको अरबी में बोल के बताओ तब हम तुमसे अरबी में बात करेंगे, ऐसा कुछ होता है? हम सुनाए अरबी में तो मेरा दावा ही नहीं ना। नहीं मैं तो तुम्हें आता नहीं कुछ नहीं, मेरे को अरबी और उर्दू और हिंदी से क्या लेना देना? मेरे को तो भैया मसला जानना है। आप एक मस्जिद के इमाम है, बरेलवी मसलक के बहुत बड़े अल्लामा बनते हैं अपने आप को, ईद मिलादुन नबी की दलील आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका क्या फायदा आपने बोलने का? तुम सुनोगे तभी तो दूसरे की, जब सुनता नहीं। जी जी बताइए 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 आलिम साहब बताइए, कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? क्या फरमाता है? वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सुन लीजिए ठीक। दूसरे क्या फरमाता, वरफअना लका ज़िक्रक, قل بفضل الله وبرحمتي وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون। भाई इन सारी आयतों में ईद मिलादुन नबी मनाने का जिक्र कहीं नहीं है। ईद मनाने का होता है खुशी मनाना, अभी तुमने बताया था
मिलाद माने मिलाद की, नबी माने नबी की। नहीं तो नहीं तो खुशी नबी की पैदाइश क्यों मनाना, ये कहाँ लिखा है? क्या नाम इसी बता के, ये नबी से बड़ी कोई नेमत हो सकती है? नौजुबिल्ला, मतलब अल्लाह के नबी से बड़ी कोई नेमत नहीं है? नहीं कोई नेमत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नेमत नहीं, अल्लाह से बड़ी कोई नेमत नहीं है। अल्लाह के नबी से बड़ी, समझे, अल्लाह के नबी से कोई बड़ी नेमत नहीं है। और क्या, अल्लाह के नबी के सदके में हमें क्या नाम है अल्लाह मिला, अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ना आते। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, समझे, तुम लोग जाहिल होते, तुम आते ऐसा कुछ नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, देखो यहाँ खाली का मसला नहीं चल रहा, यहाँ मखलूक का मसला चल रहा, समझे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दो तीन आयत रख ली भैया। सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में अल्लाह सुबहानहु तआला कह रहा है, ऐ नबी कहो कि यह अल्लाह का फजल है और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज उसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए, और यह उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। इसमें अल्लाह ताला जो जो नेमत बता रहा है, अपना फजल बता रहा है, वो बता रहा है अल्लाह सुबहानहु तआला का जो कलाम है कुरान, वो कह रहे हैं जो अल्लाह ने जो कुरान भेजी है नबी, उस पे तो लोगों को चाहिए कि वो उसकी चर्चा करें, खूब खुशियां मनाएं। तो ये तो कुरान के बारे में आ रहा है ना, और आपने माज़ अल्लाह वहाँ पे जो अल्लाह का कलाम था उसको हटा के अल्लाह के नबी की पैदाइश को माज़ अल्लाह डाल दिया, जो किसी साहबी ने आज तक कभी नहीं इस्तेमाल किया, मतलब कुरान की तफसीर को अपनी अकल से। ये तो अंग्रेजों का स्कूल है भैया, अंग्रेज को ला दो क्या, कौन सी अकल से लगाया? भैया कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान आला हजरत का खुद खोल के देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नबी कहो कि ये अल्लाह का फजल है और उसकी मेहरबानी है कि यह चीज उसने भेजी, कौन सी चीज भेजी, वो है कुरान, इस पर तो लोगों को खुशी मनाना चाहिए, ये उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। सूरह यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 58 आयत। अबे फिर अरबी में भागा, अरबी में तभी बताऊंगा जब तुम कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं ये हदीस से साबित करोगे। बहुत तुम लोग पूरे हलचल करते हो ना, कुंडे की नियाज, कुंडे की फातिया, फिर साबित कर कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं। कुंडे महोत्ता क्या है, चल बताओ कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? कुंडे महोत्ता क्या है? अरे कुंडे में जो कोई क्या करता है मेरे बाप का क्या जा रहा है, जो लोग करते हैं वो जाने ना। पहले तो कुंडा जो लफ्ज है ये कौन सी भाषा का लफ्ज है, ये अरबी में तो कुंडा है नहीं, तो जब कुंडा अरबी में नहीं है तो ये दीन नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम में तो हर चीज अरबी में है ना। लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, अब भाई बरेलवियों का दूल्हा भाई हूँ तो जाहिर सी बात है आदमी होऊंगा मर्द होऊंगा। भाई जवाब सुन के आपको लग रहा है दिमाग तो बड़ा झंझना गया। भाई जाहिल तो मुकल्लिद होता है, कुरान की आयत को अपनी अकल से पेश करो। चलो ठीक है, ये जो आयत आपने माजल्ला कहीं कसर कहीं की टांग जोड़ के कयास किया है अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, ये आयत भाई काहे के लिए समझ में नहीं आई थी? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन्नबी का जश्न उन्होंने क्यों नहीं मनाया? क्या माजल्ला वो क्या अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करते थे? क्यों उन्होंने जश्न भाई वो नहीं मनाया? कंप्यूटर में फिट कर लिया गया पहले तफसीर कीजिए, शायद सीधे मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, वम्मा निमत रब्बी का फादी तफसीर कीजिए। भाई इस आयत में ये है कि जो जो अल्लाह की रहमत है उसका खूब खूब चर्चा करो, उससे कुछ क्या मानो। हाँ भैया मैं भी बोल रहा हूँ, नेमत जो अल्लाह सुबहानहु तआला की नेमत, वो नेमत क्या है? वो अल्लाह का मेरे भी कुरान है, और कुरान के नाजिल होने पे हमें चाहिए कि हम खुशियाँ मनाएं, और अरबी में जो आयत में अल्फाज है उसका माना ये कि बिल्कुल खुशी से बिल्कुल फूले ना समाए, तो ऐसी ऐसा खुश हमें होना है अल्लाह के कलाम पे कि गोया खुशी के मारे हम फूले ना समाए, कितनी खुशी मनानी चाहिए हमें। लेकिन खुशी कैसे मनानी है, उस कुरान पे अमल करके, उस कुरान की दावत मेरे भाई लोगों को देके, ये खुशी है, ना कि माज़ अल्लाह कुरान को हटा के उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश डाल देना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती मनाना।